हेलो, मैं नेम इज़ तरुण अग्रवाल। शार्क टैंक देख देख कर, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, शार्क टैंक देख देख कर ज़रूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार मैं क्या नौकरी में लगा हुआ हूँ, मुझे भी कुछ अपना करना चाहिए। इतने सारे लोग, इतने सारे यंगस्टर्स, इतने सारे आइडियाज़ उनके पास होते हैं और अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ कि यार मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सोचना 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 एंड जस्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, और एवरी डे ऑफिस जाना और हर दिन ऑफिस जाके सिर्फ यही सोचना है कि यार बस एक आध महीने की बात है, दो तीन महीने की बात है, उसके बाद तो मैं जॉब क्विट कर ही दूंगा। इस बॉस को मुझे नहीं झेलना, आई वॉन्ट टू फायर माई ओन बॉस। तो ये सारी की सारी प्लानिंग हर एक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो करते हैं। इवन मैं भी जब मैं जॉब में था, हालांकि बहुत ज़्यादा एक मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा मेरा माइंडसेट इतना नहीं था कि मेरे को अपना ही कुछ बिजनेस करना, बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग माई जॉब और जॉब में बहुत बढ़िया मुझे तरक्की मिल रही थी, बहुत बढ़िया मुझे सैलरी हाइक, एवरीथिंग वॉज गुड। बट एट द सेम टाइम हुआ क्या कि उस टाइम पे जब मैं जॉब करता था, उस टाइम पे एक बहुत बढ़िया एक ब्लॉग था जिसका नाम था yourstory.com। आज भी चलता है वो, बट बढ़िया है yourstory.com। और yourstory.com को मैं अक्सर पढ़ता था, उसमें जो भी आर्टिकल्स आते थे उस ब्लॉग के अंदर, और उसके अंदर मैं देखता था कि यार गुड़गांव में किसी ने स्टार्टअप किया है, किसी ने दिल्ली में स्टार्टअप किया, किसी ने नोएडा में स्टार्टअप किया, चंडीगढ़ में स्टार्टअप किया, तो अलग अलग लोगों की स्टार्टअप की वहाँ पर स्टोरीज़ होती थी। और जब मैं वो स्टार्टअप की स्टोरीज़ पढ़ता था, मेरे माइंड में आता था यार वाओ कितना अच्छा आइडिया उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, किस तरीके से ये रुपए अरेंज करते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आता था कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी कुछ अपना खुद का कोई बिज़नेस कर सकता हूँ और आई कैन ऑल्सो डू वेरी वेल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जॉब से निकल के आई कैन डू गुड एंड द सेम वे। अब आज के टाइम में yourstory.com तो एक ब्लॉग है, डेट इज़ फाइन, बट आज के टाइम में शार्क टैंक जैसा एक बहुत बढ़िया एक रियलिटी शो टीवी में आ रहा है, and this is actually making so many working professionals really confused. They are confused कि मैं continue करूँ job को या फिर यार कुछ और अपना काम करूँ। Now अगर आप भी confused हो और आप just सोच ही रहे हो कि मैं job को quit कर दूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि don't quit your job just by getting inspired from some show. Obviously we should learn new things from this show Shark Tank, but at the same time don't take decision based on the opinion, okay? Or just by getting influenced you have to understand your family situation. और अपनी फैमिली सिचुएशन को समझते हुए आपका फाइनेंशियल सिचुएशन और आपका खुद का जो माइंडसेट है या खुद की जो एजुकेशन है, सब चीज़ें देखते हुए देन यू शुड टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। नाउ बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव, दैट्स वाई आई सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ कि एकदम से कोई 5-6 लाख 10 लाख रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट करके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, और मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होता भी नहीं है, इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, और आप किसी से ज़बरदस्ती रुपए मांगो और आप एक एंजाइटी में रहोगे कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया और मुझे कुछ करना है करना है करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू टू डू अ रिस्क फ्री बिजनेस। इवन मैं संदीप महेश्वरी को भी फॉलो करता हूँ, वो भी ये बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। व्हेन आई से स्टार्ट स्मॉल, इट मीन्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट राइट नाउ, अगर आप अभी जॉब में हो, आपका एक अलग टाइप का माइंडसेट है, अलग टाइप का सर्कल है, अलग टाइप का एक आपका हैबिट्स हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टेस्ट ऑफ दिस बिजनेस वर्ल्ड, और टू गेट टेस्ट ऑफ दिस बिजनेस वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट आई सजेस्ट यू सेल अदर पीपल प्रोडक्ट। और जब मैं बोलता हूँ अदर पीपल प्रोडक्ट, अगेन एक और बहुत बढ़िया बात यह है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क को कम करना है, दैट इज सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो वन ऑफ माई मेंटर, ही स्टार्टेड हिज online business journey by selling his mentor's program, and he became an affiliate partner of his mentor's digital product. So this is an excellent way you can start your online business journey. So सबसे पहले आप दूसरे लोगों के product को बेच के, and then क्योंकि यहाँ पर कोई risk नहीं होता, product पहले से बना हुआ है, system पहले से बना हुआ है, after sales service कुछ नहीं देना, कोई customer support नहीं करना है, so अल्टीमेटली सेल्स एंड मार्केटिंग और इन सब चीज़ों के जो आपको एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर हैंडलिंग का आपको एक्सपीरियंस होता है, देन आफ्टर सम टाइम देन यू कैन टेक डिसीजन क्विट योर जॉब एंड देन यू कैन प्लान टू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट्स, मे बी डिजिटल या फिर फिजिकल, जो भी आपका आइडिया है आपके माइंड में दैट यू कैन इम्प्लीमेंट। बट इनिशियली आई सजेस्ट यू नॉट टू डायरेक्टली क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी घर की सिचुएशन देखो, एंड आइडियल थिंग इज बाय सेलिंग अदर पीपल प्रोडक्ट विदाउट डूइंग एनी बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। So instead of doing 5 lakh, 10 lakh rupees capital investment, I suggest you कि 25, 30, 50,000 रुपये के investment में अगर कोई business start होता है, तो उस business को आप start कर सकते हो। Affiliate marketing and digital network marketing, these two are very good businesses you can start with. I understand network marketing सुनते ही आपको लग रहा होगा कि यार network marketing तो बहुत सुना है और सब बेकार चीज़ें होती हैं,
बट आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री दैट इज़ आप इमेजिन करो यू कैन एक्चुअली सेल अदर कंपनीज प्रोडक्ट बाई यूजिंग अदर पीपल इन्फ्लुएंस अदर पीपल यूट्यूब चैनल अदर पीपल स्किल अदर पीपल नेटवर्क सो एज अ नेटवर्क मार्केटर यू लर्न लीडरशिप स्किल्स सो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितना आगे बढ़ोगे कितना नहीं बढ़ोगे वो तो मुझे नहीं पता बट ये बात बिल्कुल श्योर है कि इफ़ यू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी यू विल डेफिनेटली लर्न बिजनेस स्किल्स सो किसी भी आप बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर को देखो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भले ही वो कुछ कुछ बोले हैं कि नहीं पता नहीं लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे रहेगा कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं सक्सेस स्टोरी फेलियर स्टोरी दोनों हैं बट एट द सेम टाइम किसी से मैंने ये नहीं सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सीखा नहीं सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आगे आपका कोई ड्रीम है अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने का देन यू कैन डू इट बट स्टार्ट योर जर्नी एज एन एफिलिएट मार्केटर और नेटवर्क मार्केटर दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट बाकी शार्क टैंक बहुत बढ़िया एक शो है वहाँ से हमें इंस्पायर होना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अदर जंक कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया एंड टीवी इससे बढ़िया है कि आप शार्क टैंक देखो आई ऑल्सो लव दिस अमेजिंग शो ओके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ऑलराइट सो दैट इज़ माई सजेशन नाउ आई वॉज वर्किंग विद HCL और जब मैं HCL में जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे जॉब के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत मेजर डिसीजन होता है खासकर जब आप शादीशुदा होते हो तो मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया मैं किस तरीके से एक बिजनेस में आया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंड हाउ आई मेड 60 लाख रुपीज इन एंड अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस दैन क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन वॉच माई 28-मिनट ऑटोमेटेड वेबिनार आप इंस्टेंटली एक्सेस मिलेगा आपको आप कभी भी इसको देख सकते हो सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी सो आई होप यू अंडरस्टैंड सो शार्क टैंक देखने के बाद इन्फ्लुएंस होकर एकदम से जॉब क्विट मत करो थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिसीजन लो सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड ओनली सो दैट इज़ माई सजेशन ओके आपके जो भी सजेशन है यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स बिलो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट सब्सक्राइब्ड सो दैट आई कैन गिव यू अ हार्ट सिंबल लेट्स क्लोज दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच